हेलो एवरीवन, मैं जेनियोला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का क्या जेई मेन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर सिलेबस में कोई चेंज होगा, क्या सिलेबस रिड्यूस होगा? क्योंकि मार्केट के अंदर ये न्यूज फैली हुई है कि सिलेबस के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि कल ये आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर न्यूज आई हुई है। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक आपको किसी भी प्रकार से अपने प्लान के अंदर कोई भी चेंज नहीं लेके आना। अपनी मर्जी से कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, आपको पूरा सिलेबस जैसे आप लगे हुए हो उसी तरीके से करते चलो। हो सकता है, मान लो कट हो सकता है या कुछ रिड्यूस चीजें हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर अब की बार क्या है कि पूरा क्वाड्रेटिक प्लस वन में उड़ा रखा है, ठीक है। कुछ एक एक्सरसाइज भी अलग अलग चैप्टर की कटी हुई है, तो ये चीज देखो हो सकती है। उसके साथ साथ अगर प्लस वन में देखोगे केपी भी कटा हुआ है एनसीईआरटी से। लेकिन कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो कंपटीशन एक अलग पैटर्न पे चलता है, उसके अंदर कितना कटेगा, किस तरीके से कटेगा, इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अब मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो मान लो कट गया, लेकिन हर साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है जेई मेन के अंदर, इससे क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो यार कि और चैप्टर छोड़ देता है कई बार कि क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आ जाता है, एपी से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी ऐसे जज नहीं करना है। मान लो ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग 1 वीक के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा। तब तक अपना जो प्लान है तुमने बनाया उसी तरीके से आपको चलना है। हो सकता है मान लो आपके मन में अगर आ गया, मान लो क्वाड्रेटिक एपी दोनों के बारे में आ गया कि मैंने देखा एनसीईआरटी से कटा हुआ है, तो अब की बार कट सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि इनको अगर आप कर रहे हो, कर लिया है, तो इस चीज को भूल जाओ भी। जब हो चुका है तो आपको कोई दिमाग नहीं घुमाना, नोटिफिकेशन आएगा तब पता लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक बार मैंने अभी तक नहीं किया तो इसको ड्रॉप कर दो भी, 1 वीक और कोई चैप्टर कर लो। उसके बाद जैसे ही मान लो नोटिफिकेशन आता है, ज्यादा टाइम तो देखो निकलेगा नहीं, क्योंकि आपका देखो अप्रोक्सीमेट नवंबर दिसंबर और जनवरी, इतना टाइम मान लो आपके पास जनवरी लास्ट में तोड़ना ही है, तो आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेज नहीं आती इतने कम टाइम में। अगर सिलेबस में ज्यादा चेंज आता है तो कम से कम 6 महीने पहले जरूर आता है। अब नीट का अगर कंपेयर करोगे तो नीट के अंदर एक टॉपिक कटे हुए, कुछ चीजें इस तरीके से ऐड भी कर दी है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन आपको अभी अपने प्लान में कोई चेंज नहीं करना, अपनी मर्जी से किसी प्रकार से आपको, क्योंकि जब बच्चा एक फ्लो के अंदर लग जाता है तो वो सोचता है मैं छोड़ देता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा उस चीज में। तो आप लगे रहिए, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगा, तब तक जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिएगा। साथ के साथ हर वीक टेस्ट जरूर दीजिएगा अच्छे से, उसको सॉल्यूशन पूरा उसको सोल्व कीजिएगा और अपनी कमियां दूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।